दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को सबसे खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब वाइल्ड के लिए धोनी ने रिव्यू लेकर लखनऊ के अंपायर को भी अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया तो वो नजारा देखकर हर कोई दंग रह गया। तो आखिर कैसे बीच मैदान में ही अपनी गलती के लिए एम्पायर ने भी मांगी महेंद्र सिंह धोनी से माफी। आखिर कैसे धोनी ने अपने फैसले से पलट कर दिया पूरे मैच का रुख। आखिर क्या था वह मोमेंट जब धोनी ने साबित कर दिखाया कि उनसे ग्रेट कैप्टन कोई नहीं। उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी को T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल करना चाहिए या नहीं? आप क्या चाहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे नहीं, DRS को धोनी रिव्यू सिस्टम कहा जाता है। उन्होंने समय समय पर साबित किया है कि रिव्यू लेने के मामले में उनसे चालाक कप्तान कोई भी नहीं है। ऐसे ही एक नजारा हमें लखनऊ और चेन्नई के बीच में देखने को मिला, जब महेंद्र सिंह धोनी की काबिलियत और उनकी पार की नजर के आगे एम्पायर को भी अपने घुटने टेकने पड़ गए। जी हाँ, दरअसल धोनी को बैटिंग करते देखने के लिए हर कोई बेकरार था, और जैसे ही महेंद्र सिंह धोनी 18वें ओवर में बैटिंग करने आए पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसी दरमियान दोस्तों 19वां ओवर फेंकने आए मोहसिन खान के चेहरे पर साफ तौर पर खौफ देखा जा रहा था। तभी तो उन्होंने धोनी से बचने के लिए लगातार 2 गेंदें वाइड फेंक दी। हालांकि जब एक बार फिर अगली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी बीट हो गए तब उस गेंद को एम्पायर ने वाइड नहीं दिया, तब तो धोनी भी हैरान रह गए। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने एम्पायर को चैलेंज करते हुए रिव्यू लेने का फैसला किया, और जब थर्ड एम्पायर ने चेक किया तो पता चला कि वह गेंद तो सच में वाइड थी। ऐसे में थर्ड एम्पायर ने ग्राउंड एम्पायर के फैसले को बदला और धोनी का सम्मान रखते हुए उस गेंद को वाइड करार दे दिया। जहां पर जैसे ही यह फैसला निकलकर सामने आया पूरा स्टेडियम धोनी को सलाम करने लगा, जहां उन्होंने अपने एक फैसले से लेकर राहुल से लेकर हर एक फैन लखनऊ को अपना हैरान कर दिया। खुद लखनऊ के मालिक संजीव गोयनका भी हैरान रह गए और हक्का बक्का हो गए। यहाँ तक कि ग्राउंड एम्पायर ने महेंद्र सिंह धोनी से फिर माफी भी मांग ली और अपनी गलती पर पछतावा करते हुए उन्होंने धोनी को सैल्यूट किया, जो सच में हर किसी का दिल जीत लिया। जहाँ इस खूबसूरत लम्हे को देखकर पूरा स्टेडियम धोनी के नारे से गूंज उठा, तो एक बार फिर सभी धोनी के मरीज हो गए। आखिर वो भी क्यों ना, धोनी ने अपने एक फैसले से हर एक बार फिर से साबित कर दिखाया कि आखिर क्यों वह दुनिया के सबसे महान कप्तान है। तो उसके बाद तो अपने बल्ले से भी उन्होंने जमकर धमाल मचाया। चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए न केवल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 176 रनों तक पहुंचाया, बल्कि खुद खौफनाक बल्लेबाजी करते हुए 9 गेंद पर 3 खतरनाक चौकों, 2 तूफानी छक्कों से सजी 28 रनों की ऐतिहासिक पारी खेल डाली और सबका दिल जीता। तो दोस्तों, धोनी की खतरनाक बैटिंग और उनका अंदाज देखने के बाद आपको क्या लगता है, उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में मौका मिलना चाहिए या नहीं? आप क्या चाहते हैं, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी शानदार खबरों के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी जडेजा और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जीत के बाद मैन ऑफ द मैच बनते ही रो पड़े रविंद्र जडेजा, लेकिन अपने आदर्श, अपने सब कुछ MS धोनी को अपना अवार्ड चेपोक के मैदान में देकर इस खिलाड़ी ने कुछ ऐसा कहा ना कि सुनकर आज वाकई में आप इन्हें भी सलाम करने वाले हैं। आखिरकार दोस्तों, जड्डू ने अपने बयान में क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा हमें। दोस्तों, IPL 2024 की सबसे खूंखार टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जब चेपुक के मैदान में पहुंची तो धोनी जो मास्टर है इस मैदान के, उन्होंने ऐसी क्लास लगाई कोलकाता की जडेजा के साथ मिलकर कि ये टीम ऊपर जाने की बजाय ना नीचे ही जाती चली गई। चेन्नई दोस्तों इस मैच में पहले गेंदबाजी कर रही थी और गेंदबाजी करते हुए पहले ओवर की पहली गेंद पर धोनी के शेर तुषार देशपांडे ने शून्य पर फिलिप सॉल्ट जैसे खतरनाक खिलाड़ी का विकेट दिलाकर रख दिया, और उसके बाद दोस्तों महफिल को बांध कर रखा रविंद्र जडेजा ने। दोस्तों, जड्डू ने एक ही ओवर में 2-2 खिलाड़ियों का शिकार किया था। उन्होंने अंकरीश रघुवंशी और सुनील नारायण को LBW व कैच कराया 27-24 रन पर, और यही मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद वो वेंकटेश अय्यर को भी 3 रन पर आउट करते नजर आए। इसके बाद दोस्तों कोलकाता की टीम जरूरत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि तुषार देशपांडे ने आगे चलकर रसल को भी आउट किया, रिंकू सिंह को भी आउट किया, लेकिन इस बीच में सबसे बेहतर इकोनॉमी ना रविंद्र जडेजा की रही 4.5 की, जिन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 3 विकेट लिए। खैर दोस्तों, इनकी अद्भुत गेंदबाजी के दम पर चेन्नई सुपर किंग्स ने 138 का टोटल ही बनवाया अपने खिलाफ, और उसे चेस करने के लिए कुछ ही खिलाड़ी काफी थे, जिसमें नंबर 1 पर थे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जिनका बल्ला काफी अरसे से खामोश था। आज वो भी चिल्लाकर दहाड़े और 55 गेंदों के अंदर 8 चौके लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 61 रन ठोक दिए थे। दोस्तों, इसके बाद कुछ अन्य खिलाड़ी भी थे जो 20-21 रन बनाकर गए, और इस मैच को चेन्नई ने 3 ओवर शेष रहते ही जीत कर दिखा दिया। ये मैच दोस्तों चेन्नई जीत गई, लेकिन मैन ऑफ द मैच बने रविंद्र जडेजा, जिनकी उम्दा गेंदबाजी के आंकड़े हमने आपको बता ही दिए हैं। लेकिन दोस्तों, मैच जीतने के बाद, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कुछ ऐसा कह गए हैं अपने बयान में रविंद्र जडेजा धोनी को ये अवार्ड देकर कि सुनकर आज आपके दिल में इज्जत जडेजा के लिए 100 गुना बढ़ जाएगी। आपको बता दें दोस्तों कि महेंद्र सिंह धोनी को अपना अवार्ड देकर रविंद्र जडेजा ने कहा, चेन्नई में जब भी खेलते हैं तो दिमाग ज्यादा नहीं लगता बल्कि दिल से खेलते हैं, और MS धोनी भाई के लिए चेपोक के मैदान में हमें हर मुकाबले को खास बनाना है, यही हमारा एम है इस बार के सीजन में।
जिन्हें की टीम ने अब तक बहुत अच्छा किया है, लेकिन पिछले दो मुकाबलों में हम जीत नहीं पा रहे थे और कोलकाता को हराने के लिए इस बार हमने कड़ी तैयारी की थी। धोनी भाई इस बात को जानते थे कि ये मुकाबला अहम रहेगा और ओपोनेंट तगड़ा है, जिसके चलते हमें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। हमने दिन रात एक कर प्रैक्टिस भी करी, अपने आप को इस काबिल भी बनाया कि हम इस टीम से लड़ सकें, इन्हें हरा सकें। और यकीनन तौर पर तुषार देशपांडे हो, मैं खुद बखुद हूँ, ऋतुराज गायकवाड़ हूँ, आपको सब में इम्प्रूवमेंट नजर आई होगी। इसीलिए अगर हम मैच जीते हैं ना, तो सबसे मेन खलनायक इस जीत के धोनी भाई हैं। इसलिए ये विकेट लेने का, मैच जीतने का क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, मैं तो ये अवार्ड भी उनके नाम पर समर्पित कर रहा हूँ। धोनी भाई, आप ही हमारे मैन ऑफ द मैच है इस मैच के। दोस्तों, जडेजा का बयान दिल जीतने वाला है, क्योंकि ये धोनी का शायद आखिरी भी आईपीएल है। वो भी चाहते हैं कि हर एक मैच उनके लिए भी खास बने। वैसे आप सभी जडेजा की इस हरकत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।